विधानसभा के जो हमारे मंडलम सेक्टर और जो बूथ संभालते हैं, नीचे के कार्यकर्ता साथियों से आज संवाद था, राय मशविरा था। इसलिए अरुण यादव जी, मैं, शैलन भाई, हमारे प्रभारी आनंद भैया, हम लोग आए हैं कि भाषण से काम चले गए। अब तो जो कार्यकर्ता के मन की आवाज़ निकल रही, उस आवाज़ को परिणाम में तब्दील करना, तो तमाम लोगों से रायशुमारी की, बातचीत की, तो कई नाम ऐसे आए हैं जो संघर्ष करके विजयश्री दिला सकते हैं। तो काफ़ी लोगों से चर्चा हुई, आगे धरुंदा की बैठक है, वहाँ और बात हो जाएगी, गोपालपुर की बात हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कितने लोगों के नाम आए वैसे इसमें, क्या ये नहीं, ये तो नहीं बोल सकते, थोड़ा सा कुछ तो आंसर रहने दो। चलिए, अब इसको चुनाव को लेकर कांग्रेस इतनी आश्वस्त नजर आ रही है। सार्थक संवाद हुआ कार्यकर्ताओं से, उनको भी ठीक लगा कि हमारे मन की राह पूछी जा रही है। ऐसा नहीं हो रहा है कि पट्टा नरेंद्र मोदी मन की बात के गायब हो जाता है, हम अपने कार्यकर्ता की मन की बात ले रहे, उनको ठीक लगा। चुनाव को लेकर कितनी आश्वस्त है कांग्रेस? देखिए, चुनाव संघर्ष है और दमदारी से संघर्ष करेंगे। मैं तो बुधनी विधानसभा के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सैल्यूट करता हूँ, कितने तूफान आए, कितने झंझावत आए, कठिन समय आया, पर मजबूती के साथ बुधनी विधानसभा का कांग्रेस का कार्यकर्ता चट्टान की तरह आज भी अड़ा है, और उसी के बलबूते पे हम विश्वास करते हैं कि इस बार आर पार की लड़ाई होगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।